सो हे गाइस, यहाँ पे जो हमारे पास में हमारे पीसी सेटअप में और एक नई चीज़ ऐड होने वाली है, जो कि है हमारे पीसी में लगने वाली रैम। तो गाइस, इस रैम के बारे में आपको बताएंगे किस तरह की रैम है, किस तरह का परफॉर्मेंस है, क्यों हम ये रैम यूज़ कर रहे हैं, कितने GB की है। तो चलो यार, एक बार देखते हैं बॉक्स किस तरह का बॉक्स है। तो बॉक्स को आप देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारे पास में DDR4 जो है, यहाँ पे इसका रैम का टाइप है, जो कि DDR4 टाइप की रैम है। और अगर बात करें बॉक्स के ऊपर में, तो ट्राइजेंड न्यू जो कि दो टाइप की आती है इसकी। तो ये जो है हमारे पास में न्यू सीरीज की जो रैम है, और ये जी स्किल के तरफ से आती है, तो जो कि कंपनी का नाम है जी स्किल। तो चलो यार, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं यार इस प्रोडक्ट को। खोल के एक बार मैं कट लगा लेता हूँ। ओके, ये वाई कट। तो यार थोड़ा और यहाँ पे पीछे से देखो, यहाँ पे दिया हुआ है 3600 MHz की जो है रैम है, जो कि 16 GB GTZ NC, ठीक है, GTZ NC। ये जो है इसका शायद कुछ मॉडल नंबर है। और इसकी लेटेंसी की बात करें तो CL16/19/19/39 और 1.35 वाट जो है ये कंज्यूम करती है आपके जो पावर सप्लाई है, उस पावर सप्लाई में से जो पावर है, या तो मदरबोर्ड से जो पावर कंज्यूम करने वाले है, उसके बारे में बताया गया है। तो चलो इसको यहाँ पे देखो, यहाँ से एक सील लगे रहता है, और यहाँ से देखो ये दोनों चेक कर लेना। तो यहाँ पे आपको थोड़ा मतलब गारंटी हो जाएगी कि चलो यार न्यू हमें रैम मिल रही है। तो इसको एक बार बॉक्स से बाहर निकालते, पैकिंग की अगर बात करें तो एक बॉक्स है छोटा सा, और इसके अंदर में देखो यार किस तरह से खूबसूरती के साथ में इसको सजाया गया है, जो कि काफ़ी लाजवाब दिखने में तो यार बहुत बढ़िया है। और देखो जी स्किल की यहाँ पे ब्रांडिंग है, यहाँ पे जी स्किल प्राइस एंड न्यू, और एक जी स्किल का यहाँ पे स्टिकर दिया हुआ है, www.gskill.com यहाँ पे लिखा गया है। प्राइस की अगर बात करें तो ये 9,000 से लेके आपको 13 से 14 हज़ार तक इसकी प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है। हमें जो पड़ी है गाइस, ये रैम का प्राइस पड़ा है हमें 11,000 कुछ समथिंग, तो ये 11,000 के पास में हमें पड़ी है, 9,000 से लेके 13,000 तक, या उससे भी ऊपर जा सकती है, बट सही टाइम पे लो तो गाइस ये आपको कम से कम प्राइस में मिल सकती है। 3600 MHz इसकी स्पीड है, 3200 की भी आती है, बट उसको मत लेना अगर आप लेना चाहते हो। आपके पीसी के हिसाब से आप उसको देख सकते हो। हमारे पीसी के लिए हमने जो है यही रैम परचेस की है, 3600 MHz वाली। ये जो है गाइस 8 8 GB की दो स्टिक हमने यहाँ पे ली हुई है। रैम का लुक की अगर बात करें तो आप देख सकते हो किस तरह की रैम है। टॉप से अगर दिखाओ तो यहाँ पे देख सकते हो, टॉप में यहाँ पे जी स्किल देखो, ब्रांडिंग की कोई कमी नहीं छोड़ी हुई है। जो ये आपको व्हाइट पोर्शन दिख रहा है गाइस, ये जो है लाइट अप करेगा, जिसमें RGB कलर्स, जो कि RGB इफेक्ट्स आपके पीसी के लिए होने चाहिए, वो इसमें दिए हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी शार्पनेस के साथ में डिज़ाइन को थोड़ा अच्छा करने के लिए दोनों साइड से सेम लुक दिया हुआ है। मेटेलिक फिनिश है यहाँ पे ब्लैक, और थोड़ा सा इस पे स्टैंडर्ड कुछ तो भी वर्क किया हुआ है, जो कि फिनिशिंग लाइन यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे देखो आपको जो है 2021, मतलब ये जिस टाइम पे निकला हुआ है ना, उसी टाइम पर यहाँ पे लगाया हुआ है स्टिकर, और उसी पे दिया हुआ है कि किस टाइम में ये बनी हुई है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे स्टिकर पे चेक कर लेना कि लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, जो आपका मॉडल नंबर है, देन उसके बाद में फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज़ें चेक करना ज़रूरी है गाइस। दोनों आप रैम को देख सकते हो। तो ये 16 GB की रैम हमारे जो है इसमें यूज़ होने वाली है, काफ़ी अच्छी और खूबसूरत रैम है, दोनों साइड से आप देख सकते हो। तो इसी रैम को हम हमारे पीसी में यूज़ करेंगे गाइस। लेना चाहते हो इस रैम को, तो रैम का जो है डिस्क्रिप्शन में हम जो है लिंक प्रोवाइड कर देंगे। और 3600 MHz में अगर आप जाना चाहते हो, और आपके गेमिंग को और आप एक्स्ट्रा बूस्ट करना चाहते हो 3200 MHz से अगर आप ऊपर की रैम देख रहे हो, तो जी स्किल भाई कोई भी रैम उठा लो जी स्किल की, आपको टॉप नॉच क्वालिटी की मिलेंगी, कोई कमी नहीं। आरबी
ये जो RGB है, और उसके बाद में डिज़ाइन के बारे में, लुक्स के मामले में परफॉर्मेंस तो गाइस A1 क्वालिटी का परफॉर्मेंस मिलने वाला है। और देखो यार, मतलब इस तरह का लुक यार कहाँ पे मिलने वाला है भाई, सोच समझ के बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन की गई है ये रैम को, आपके लिए बनी हुई है गाइस। जल्दी जाओ फटाक से अमेजोन पे बाय कर लो, काफ़ी अच्छी डील मिलेंगी आपको। सोचना नहीं है गाइस, कोई दूसरे रैम पे जाना नहीं है, बिल्कुल बिंदास इस रैम को उठा लो, मैं गारंटी देता हूँ आपको यार कि ये आपको नाराज़ नहीं करेंगी। अगर एक बार आपने लुक देख लिया ना, परफॉर्मेंस तो बाद में देखोगे, लुक देख के भाई आप बोलोगे भाई क्या चीज़ मंगा ली हमने। तो ये वीडियो गाइस यहीं तक हम फिनिश करते हैं, काफ़ी अच्छा वीडियो लगा होगा आपको, तो देख लेना गाइस एक बार। अगर आप लुक्स चाहते हो कुछ इस तरह के, तो रैम यही लेना है, कौन सी रैम लेना है तो G-Skill। तो चलो गाइस यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वीडियो के एंजॉय करने के लिए, गुड बाय।